नमस्कार दोस्तों, मैं कटिहार में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि एक गांव का लड़का शहर में आता है पढ़ने और अपनी पढ़ाई करता है शहर के किसी कॉलेज में। तो मैं आज जिस लड़के से आपको मिलवाने जा रहा हूँ वह भी एक गांव का लड़का है, और आज की डेट में वो कहाँ है वो खुद ही बताएंगे। मगर मैं आपको थोड़ा सा पहले उनके बारे में जानकारी दे दूँ। उस लड़के का नाम है राजेश कुमार रमन और आज की डेट में वो मुंबई में है। अब मुंबई में क्या कर रहे हैं वो जब हम इनसे बात करेंगे तो ये बताएंगे। मगर मैं उसके पहले आपको बता दूँ कि वर्ष 2000 की बात है जब मैं नाटक किया करता था, यानी कि थिएटर में मैं काफ़ी सक्रिय था। तब मेरी मुलाकात एक युवा से हुई थी और वो युवा था राजेश कुमार रमन। आज वो हमारे साथ हैं। वर्ष 2000 में वो कैसे कटिहार में उनका पदार्पण हुआ उसके संदर्भ में हम उनसे जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, थिएटर के संदर्भ में, सिनेमा के संदर्भ में और कटिहार के संदर्भ में। तो आइए मिलते हैं राजेश रमन जी से और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर आप कटिहार आए कैसे। सबसे पहले नमस्कार सबको। कटिहार आना मेरा हुआ था पढ़ाई के लिए जी। मैं 10th पास किया आपके यहाँ रानीगंज से, फिर कॉलेज कहाँ पढ़ूँ तो फिर मेरे मौसाज रहते हैं यहाँ पास में ही, हसनपुर एक जगह है, तीन गछिया हाँ हसनगंज। तो मैं डीएस कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो काफ़ी नाम था हमारे यहाँ डीएस कॉलेज, अभी भी नाम है। तो फिर मैं आया डीएस कॉलेज, एडमिशन तो बड़ी मुश्किल से हो पाई, ताकेश्वर जी जो भी हैं उनके थ्रू मैं एडमिशन हो पाया था, क्योंकि मार्क्स का ताकेश्वर जी जो अभी उपमुख्यमंत्री उनके सहयोग से आपका एडमिशन हाँ संभव हो पाया था। उसके बाद फिर एडमिशन हुआ, फिर पढ़ाई की। तो किसी ने कहा मुझे अभिनय का शौक बचपन से था, आई मीन 5th क्लास से मैंने प्ले पहला किया था जब 5वीं क्लास में था कॉन्वेंट में रानीगंज में। तो वो कहीं ना कहीं वो कीड़ा जो अभिनय का मरा नहीं और ना मैं उसे मरने दिया अभी तक, और आगे भी शायद वो कभी नहीं मरेगा। तो मैं फिर कटिहार में आया तो क्या करूँ, कैसे थिएटर करूँ। लोगों ने कहा किसी एक कोई स्मार्ट वर्क कुछ तो था ऐसा मार्केटिंग बिजनेस, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक इप्टा है। उस वक्त मैं इप्टा को बिल्कुल नहीं जानता था, इप्टा क्या है कुछ नहीं पता था मुझे। तो कहा कि एक इप्टा है संस्थान, रेलवे प्रवर संस्थान में, वहाँ जाके मिलो, वहाँ तुम्हारा शायद कुछ हो सके नाटक के लिए। तो मैं वहाँ मिलने आया था। मैं उस वक्त रहता था यहाँ नया नगर कोई है, नया टोला सॉरी मैं बहुत नाम भूल भी चुका हूँ क्योंकि 20 साल हो गए इस चीज़ को। तो वहाँ जब आया तो फिर वहाँ से आया तो आपसे मुलाकात हुई और भी कई लोग थे वहाँ सब। तो पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि जब आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें एक्टिंग क्यों करनी है, तो मुझे लगा एक्टिंग करनी है, मुझे हीरो बनना है, एक्टर बनना है। तो वहाँ मेरा मजाक उड़ाया गया। उसी संस्थान में कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो आज भी दोस्त हैं मैं, लेकिन वो मजाक उड़ाना मुझे अच्छा लगा। वो आपके लिए पॉजिटिव था? बहुत ज़्यादा। मैं उसको बहुत पॉजिटिव लिया कि नहीं ये अगर मैं इसे करके दिखाऊंगा। तो मैंने कहा आपसे कि मुझे हीरो बनना है, मुझे एक्टर बनना है। तो आपने कहा ठीक है देखते हैं, कल आओ हमारा वर्कशॉप होने वाला है। तभी हरीश हरिओ जी आए थे वर्कशॉप लेने, आपके बेगूसराय से जो एन एस जी पास आउट हुए थे जस्ट यहाँ आए थे। तो सब लोग ऑलरेडी आपका आपकी जो कास्ट थी पूरी हो चुकी थी, मैं बस पहला दिन था मेरा। अब आपने कहा कि आ जाओ देखते हैं, रात रिहर्सल है फिर देखते हैं जो होना होगा। मैं और एक लड़का था चंदन, हम दो लोग आए थे। तो वो घटना रात लगभग 12:30-11 बज गया, वो यहीं रिहर्सल हो रही थी। तो एक अच्छी बात ये हुई मेरे साथ, और हमेशा मेरे साथ कुछ अच्छा होता रहा है, कि उस वक्त आपने कहा कि अरे हरीश जी तो रात भर है कल चले जाएंगे, फिर मैं कास्ट करूँगा जो करना होगा। आपने संतावना दी मुझे अच्छा लगा। एक जो उसने एक भैया थे जो प्ले कर रहे थे, चतुर्वेदी प्ले कर रहे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी वाइफ का फ़ोन आया, अरे कहाँ हो तुम अभी, बड़ा घर आओ। तो बोले नाटक कर रहा हूँ, भड़क गए उनके ऊपर, वो गए अपने घर। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ गुंजाइश बन सकती है, अब वो प्ले नहीं करने वाले हैं। तो हरीश जी मैं वही था, बाकी सब लोग चले गए। तो हरीश जी मुझे बोले तुम एक्ट करोगे, मैं कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझसे लाइन्स बुलवाए कुछ, मैंने बोल दिया। तो उस वक्त मुझे वो पहला काम मिला इप्टा आने के 2 दिन के बाद ही, और जब तक वो प्ले हुआ मैं बिहार हूँ
सॉरी हिंसा परमो धर्म, तब तक मैं उसमें वो चतुर्वेदी करता रहा और ये सब क्रेडिट आपको जाता है, आपकी वजह से मैं वो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई और बहुत अच्छी शुरुआत रही। फिर आपने कहा कि अब यहाँ क्या, यहाँ तो बहुत फेमस हो गए, कटिहार लोग जान ही रहे हैं, मैं बिहारी हूँ किया, फिर आपका चोर किया, तो आपने कहा नहीं अब दिल्ली निकलो, NSD करो या फिर मुंबई निकलो, तो फिर दिल्ली में चला गया। 12th मैंने पास किया 2 साल में, इधर नाटक भी करता रहा, फिर दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में भी एडमिशन करनी थी, एडमिशन लिया कॉलेज में थिएटर के लिए, वहाँ भी NSD गया मैं कोई क्लास, तो NK शर्मा से मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ पे, बट वो मुलाकात काम नहीं आई, कहने बहुत छोटे हो अभी, अभी तुम्हें नाटक में नहीं ले सकता, मैं बहुत गाली बकता हूँ ये वहाँ, और कुछ पैसे देने थे, मैं पैसे नहीं दे पाया उस वक्त, जो दिक्कत थी पैसे, क्योंकि घर से मैं गया था कि पढ़ने, तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं नाटक में 10,000 रुपये दूँ महीने का या फिर जो भी उनका फीस है फिर मैं एक्ट करूँ, तो मैं नहीं कर पाया। फिर वहाँ पढ़ाई पूरी की, वहाँ से फिर आपकी वो बात मुझे याद है कि अगर एक्टर बनना है तो मुंबई जाना होगा, पहले दिल्ली जाओ, दिल्ली में नाटक करो, वहाँ से मुंबई निकल जाओ। तो मुझे आज भी मलाल है कि मैं NSD नहीं कर पाया, इसका दुख मुझे है। तो मैं कहूँ जो भी एक्टर बनना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूरा पैकेज बन के जाएँ, आप प्रॉपर तैयार हो जाएँ, ताकि आपको मुंबई में या दिल्ली में कहीं दिक्कत ना आए। थिएटर करें, क्लासेस करें, डांस सीखें, जो चीज़ें हैं अपनी भाषा को ठीक करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी जब मैं मुंबई से, अभी भी आती है वो चीज़ें, मैं जहाँ से हूँ वहाँ की चीज़ें आपके जुबान पे हमेशा होता ही है। आज भी मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, मैं खुशी को खुशी बोलता था, शर्ष का फ़र्क नहीं था, रौरा का फ़र्क नहीं था, हाँ नहीं तालब श दमसद यहाँ होता है, बिहार से बाहर तालब श होता ही नहीं है, श होता है, श होता है या स होता है, ये चीज़ मुझे मुंबई में इसकी बहुत दिक्कत हुई। मैं ऑडिशन देने जा रहा था तो लोग, यार तुम सब बोल रहे हो, श होता है, ये चीज़ हमें यहाँ किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हमें यहाँ किसी को पता ही नहीं ये चीज़। तो ये मैं बोलूँगा आज के एक्टर्स को, जो भी थिएटर्स यहाँ कर रहे हैं इसका ध्यान रखें, और मैं ये आप भी जैसे वर्कशॉप लेते हैं इसका पूरा ध्यान आप रखते हैं और रखिएगा इस चीज़ का ध्यान, कि ताकि बच्चे को आगे दिक्कत ना आए, मुंबई दिल्ली जाए वहाँ दिक्कत ना आए, जो दिक्कत जो मुझे दिक्कत हुई है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे मेरे जो भी मेरे छोटे भाई हैं जो भी करना चाहते हैं अभिनय, तो वो इससे बच जाए, इसको ठीक करके जाए। सही सही। वर्ष 2000 और ये वर्ष 2021 है, 21 पूरे 21 साल का अंतराल, हाँ बहुत लंबा है, लेकिन पता नहीं कैसे गुजर गया। आपको नहीं लगता कि अब लोग थिएटर कम करते हैं और फिल्म की ओर ज्यादा जाना चाहते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल लगता है, लेकिन जो बहुत गलत है, कहीं ना कहीं लोग चाहते नहीं ना डायरेक्ट जाऊं मुंबई हीरो बन जाऊंगा फिल्म में, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है मुंबई की राह भैया, इतना मुश्किल है। मैं मुंबई में 2011 से हूँ, सही 10 साल हो गए मुंबई में, आज भी मुझे मैं खुश नहीं हूँ कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं रोज़ शूटिंग महीने 10 दिन में करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, कभी पूरा महीना शूटिंग करता हूँ, बट जो चीज़ जो सपना है मेरा, हमको जहाँ होना चाहिए मुझे वहाँ नहीं हूँ अभी भी, कहीं ना कहीं वो दिक्कतें इसलिए आई हैं, जो वक्त मैंने मुंबई को दिया है, अगर लड़का यहाँ से ट्रेंड होके जाए तो वो शायद वो चीज़ इतना टाइम उसको ना लगे वहाँ। यानी कि आपको अपना बेसिक जो है उसको सही करके जाना है। मुझे याद है कि जब हरीश हरिओत जी कटिहार आए थे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था, प्रेमचंद की कहानी थी हिंसा परमो धर्म, ये बकायदा 7 दिनों का वर्कशॉप हुआ था, उसमें आशुतोष भी थे हमारे साथ, बिल्कुल जो आज मुंबई में हैं, मैं और आशुतोष पैरेलल कलेक्टर कर रहे थे, यस यस यस, और आप चतुर्वेदी का रोल कर रहे थे। तो मुझे याद है कि उस टीम से 3-4 लोग बाहर हैं आज के डेट में, हाँ 3-4 लोग आज मुंबई या कहीं भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है हरीश हरिओत जी भी आज अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट थे। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी मुझे ये बताइए कि कटिहार का थिएटर और मुंबई का थिएटर क्या अंतर लगता है आपको, क्या उसमें कुछ? हाँ है अंतर है भैया, मैं ये बताऊंगा, सिर्फ एक ही अंतर है जो मुझे लगता है, डिसिप्लिन यहाँ भी है वहाँ भी है, बट वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, यहाँ लोग हाँ ठीक है आ जाएंगे ना पहुँच जाएंगे, वहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपका टाइम 6 बजे है तो 6 बजे आपको शॉप पहुँचना होगा। एक वाक्य एक आप जानते होंगे, MS सत्यू साहब, MS सत्यू साहब
मुझे मेरा सौभाग्य है, मेरी किस्मत है कि मैंने उनके डायरेक्शन में काम किया है, दो प्लेयों के साथ मैंने किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। उन्होंने एक वाक्य सुना, कुछ लोग लेट आते थे, वो 89 ईयर्स 90 ईयर्स के भी हैं, वो इस उम्र में ठीक 5:45 बजे हम लोग जहाँ वर्कशॉप करते थे वहाँ पहुँच जाते थे, और बच्चे लोग 6:25 आते थे। उन्होंने कहा था कि मैंने शबाना आजमी को टाइम नहीं दिया कि आप प्ले, उन्होंने कहा कि मैं प्ले करना चाहती हूँ, बोला नहीं तुम स्टार हो, तुम वक्त पे नहीं आ पाओगी। कहा नहीं सर मैं वक्त पे आऊँगी, बट ठीक है तुम 15 दिन 5:45 बजे यहाँ टच हो जाओ तो मैं तुम्हें कास्ट करूँगा। और ठीक वो शबाना आजमी स्टार बनने के बाद भी वो टाइम पर आई, तब उनको कास्ट किया, तब उन्होंने साथ में प्ले किया। तो ये मैं कहता हूँ कि पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है थिएटर में, किसी भी फील्ड में आप कुछ भी काम करते हैं आप पंक्चुअल रहिए, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो ये फ़र्क मुझे वहाँ और यहाँ में नज़र आता है, बाकी एक्ट तो सब वही करते हैं। हाँ, भाषा पे जो कमांड वहाँ जो है वो यहाँ नहीं था, नहीं। क्योंकि मैं यहाँ भी थिएटर किया और वहाँ भी कर रहा हूँ, तो ये फ़र्क मुझे साफ दिखता है कि यहाँ भाषा पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, वहाँ बहुत ध्यान देते हैं उस चीज़ को। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए आपको समय का पाबंद होना पड़ेगा और उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, थिएटर का फील्ड हो या फिल्म का क्षेत्र हो, कुछ भी पढ़ाई का क्षेत्र हो, आपको डेडिकेशन और आपके पास जो उद्देश्य है उसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज राजेश जी हमारे साथ में, बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारी मुलाकात पिछले 7-8 साल पहले हुई थी और आज हम लोग एक साथ हैं। और दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है जब अपने लोग आगे बढ़ते हैं, आप एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने को कि मेरा जो वो जानकार था ना, या मेरा वो जो मेरे जो पहचान का है ना, आज वहां पर स्थापित है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुंबई में कैसे जाना हुआ आपका, मुंबई आप कैसे पहुंच गए? पहली बात तो आपकी वो लाइन मैं आज भी याद रखता हूं, आज भी याद है मुझे कि अगर एक्टर बनना है तो कटिहार से बाहर निकलो। जब मैं बोला, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए, आप देख रहे होंगे कि वो एक लाइन कि नहीं मुझे निकलना, एक्टर बनना, मुझे बाहर जाना है। दिल्ली गया, वहाँ कुछ दिन थिएटर भी किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई की, फिर मुंबई निकला। वहाँ मुंबई में प्रॉपर, मुंबई की बहुत लंबी जर्नी भैया मेरी, बेसिकली मैं घर से, मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला एज एन एक्टर काम करने के लिए, क्योंकि एज एन एक्टर कहीं काम करो घर वालों को पसंद नहीं। मतलब एक तो पहली बात तो तब उस वक्त 2004-05-06 की बात है, घर वाले नहीं एक्टर बनना है, एक्टर क्या, मत कुछ और काम करो, टीचर की बहाल टीचर बन जाओ, शायद मैं बन भी जाता बट मैंने नहीं किया। तो खुश नहीं थे भैया कहीं ना कहीं, मम्मी का सपोर्ट था पूरा हमेशा। बाद में जब भैया ने देखा कि मैं टीवी में आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा लगने लगा। तो फिर सपोर्ट, अब बहुत सपोर्ट, अभी सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत देखते, वो चाहते हैं कि मेरा भाई बहुत अच्छा काम करे। तो मुंबई जब गया मैं यहाँ से, तो फिर दिल्ली गया, दिल्ली से फिर मुंबई निकला। वहाँ से मुंबई में जाने के बाद बिल्कुल मैं, कुछ मुझे पता ही नहीं चले यहाँ करना क्या है, अनजान शहर, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, जो सच है 1800 रुपये मेरे पास थे। मुझे याद है जब मैं मुंबई जा रहा तो भैया का पैर छूने गया, भैया एक शब्द नहीं बोले कि संभल के जाओ, कुछ कुछ नहीं। भैया नाराज़ थे कि मुंबई क्यों जा रहा है, यहाँ टीचर हो जाता, चीज़ें बहुत सी चीज़ें थी, कुछ कमा लेता अपना। वो आई थिंक वो अपने साथ वो ठीक सोच रहे थे, गार्जियन है मेरे पापा नहीं है, उनकी डेथ 10th में था, मैं तब हो गई, तो 98 की बात है। तो भैया मेरे गार्जियन थे, तो उनका था कि कहाँ जा गए, पढ़ लिख अच्छा पढ़ लिख रहा है तो टीचर बन जाए, कुछ जॉब कर ले। सॉरी तो मैं रोते हुए निकला दिल्ली के लिए, दिल्ली गया, फिर वहाँ से मुंबई चला गया। तो मुंबई जब गया तो फिर मैं जॉब की, मैंने 3 या 4 साल सिर्फ नौकरी की, मैंने पैसे जमा किए 4-5 लाख मैं इकट्ठे अकाउंट में किए, देन मैंने अभिनय के लिए शुरुआत कर दी, स्ट्रगल करना, ऑडिशन देने। फिर उसी बीच मेरी मुलाकात हुई राम बहादुर रेणु से, जो एनएसजी पास आउट है। राम बहादुर रेणु के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हैं और आप बिहार के एक जिला है सुपौल, वहाँ से आप वास्ता रखते हैं और काफ़ी गंभीर थिएटर करते रहे हैं और आज के डेट में वो मुंबई में बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे राजेश जी का वास्ता पड़ा
और एक तरह से कहिए तो रेणु जी ने इन्हें काफी सहयोग किया। बहुत ज़्यादा इसके उसके मैं बाद फिर क्या हुआ? बेसिकली जब मैं वहाँ गया तो मुझे पहले तो 1 साल में कुछ काम ही नहीं समझ नहीं आया, मैं वापस आ गया। और अच्छी बात यह थी कि उस वक्त एक मुकेश भैया हैं दरभंगा के हैं, जो हम दिल्ली में साथ रहते थे एक ही फ्लैट में फ्लैट आमने सामने, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई। तो वो मुझे इतने मुझसे प्रभावित थे, और बहुत प्यारे इंसान हैं, आज भी हम बातचीत होती है, मिलते हैं जब भी मुंबई आते, मुलाकात होती है। उन्होंने मुझे फ्री रखा 1 साल अपने घर पे कि तुम रहो काम करो, बट मुझे कुछ काम नहीं मिल पाया, समझ नहीं आया, मैं वापस मुंबई आ गया। तो मैं मधेपुरा में देखा था मैं कि राम बहादुर रेणु का एक वर्कशॉप है NSD का, तो मैं वो वर्कशॉप ज्वाइन किया। तो वहाँ सर से इतनी मेरी घनिष्ठता हो गई, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, हमने साथ में नाटक किया, एज ए मेन लीड मैंने उसमें प्ले भी किया। सर ने कहा कि तुम मुंबई आ जाओ। मैं कैसे, मुंबई से ही आया हूँ। बट उसके बाद जब मैं गया तो सर से वहाँ सर के एक्टिंग क्लासेस थी, मैं वहाँ भी गया, क्लासेस भी किया। तो मैंने सर से पूछा कि पैसे कितने लगेंगे, बोला पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं कहा हैं तो नहीं, तो फिर क्यों सोचते हो? उन्होंने मुझे फ्री में क्लासेस दी, जो चीज़ तकनीकी थी बारीकियाँ मुझे वहाँ से पता चली, जो चीज़ मैं यहाँ नहीं कर पाया था। उसके बाद उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी मित्रता हो गई, मतलब घर का संबंध अभी भी, हर महीने घर में उनके यहाँ 10 दिन जाना होता ही है, हमेशा बात होती है, मतलब लाइक गार्जियन कह सकते हैं मुंबई मेरा, वो अपना एक गार्जियन जैसे हैं। तो उनका वर्कशॉप किया, फिर वहाँ भी साथ में काम किया। उन्होंने फिर मुझे दिखा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इनसे मिलो, कई नंबर्स दिए, तब फिर मेरा काम शुरू हुआ। लेकिन तब तक मैं जॉब भी कर रहा था, क्योंकि जॉब करना मेरी ज़रूरत थी, पैसे नहीं थे मेरे सही पास। मैंने 3 साल लगभग जॉब किया। मैं आपको बता दूँ, लगभग 2013 में दिसंबर 31 को मैंने जॉब छोड़ा। उसी बीच, उससे पहले मैंने 17 दिसंबर 2012 में, नहीं 13 में, मैंने एक शूटिंग की थी पुलिस फाइल, पहली शूटिंग, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई जॉब करते हुए। फिर मैंने जॉब छोड़ा, उसके बाद फिर ऑडिशन शुरू। और अच्छी बात यह थी कि जॉब छोड़ने के बाद मुझे काम निरंतर मिलता गया। तो उसी एक आशुतोष भैया जो अपने इप्टा से थे, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि फ्री हो 3 दिन के लिए, एक नियति शो आता था धीरज कुमार का सहारा 1 के लिए, तो शूट करोगे? मैं कहा भैया क्यों नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी जॉब मैंने छोड़ दिया था। मैं गया वहाँ, काम था 3 दिन का, शूट किया 3 दिन, फिर फ़ोन आया वहाँ से, अब तुम 1 साल तक रहोगे, जब तक शो है तब तक तुम रहोगे इस शो में। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, वो शो में लगभग 11 महीने मैंने किया, तो शो रहा तब तक मैंने शो किया। फिर उसी बीच में नियति एक और शो था, हिंसा ये सॉरी ये है मोहब्बत है, नहीं, उससे पहले मैंने ये रामायण, रामायण मैंने इसका मोती सागर का, जो रावण सागर के बेटे हैं, उनका शो मुझे मिल गया प्रहस्त, उसमें मैंने प्ले किया था रावण का बेटा। वहाँ दोनों शो एक साथ शूट किया, काफ़ी बिजी रहा शूट में, बड़ा मज़ा आया करके, अच्छा लग रहा था। फिर इत्तेफाक दोनों शो बंद हो गए, फिर टेंशन, अब क्या काम करूँ। फिर मुझे ये है मोहब्बतें मिल गई बालाजी का, उसको मैंने लगभग 3-4 महीने मैंने शूट किया उसमें। तो फिर ऐसे काम मिलता गया, बीच में ऐसे भी समय आए जहाँ काम की बहुत दिक्कत थी, मैं थोड़ा सा बिजनेस शुरू कर दिया, इस बीच में कुछ और पैसे आते रहे, जो मेरा कहने का गलत फैसला था बिजनेस करने का, क्योंकि मैं एक्टिंग पर ध्यान कम दे पा रहा था, सही। क्यों, पैसे लग गए थे, मैंने बहुत पैसे बर्बाद भी किए, उस चक्कर में बहुत जो भी कमाई थी सब लगा दिया बिजनेस, सब चल डूब गया कहीं ना कहीं। बट ठीक है, फिर वापस से शुरुआत एक्टिंग के लिए करना शुरू किया, फिर शो मिलते गए, बहुत दिन तक काम मिलते। फिर मैं मुंबई एक फिल्म की थी मैंने मलावा मर्डर, तो वहाँ एक मैं फिर मुंबई में इप्टा शुरू किया बहुत सालों बाद। तो मेरी एक दोस्त थे निशा गुप्ता, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आज भी अच्छी दोस्त हैं, तो साथ में फिल्म में मिले थे, एक फिल्म करने के दरमियान, दुर्भाग्य वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई है, पता नहीं अब कब होगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुंबई में इप्टा है, इप्टा क्यों नहीं ज्वाइन करते, थिएटर करना चाहिए आपको। मैं कहा बात तो सही कह रहे हैं, और इप्टा से मैं पहले से था, तो इप्टा के प्रति बहुत प्रेम है मेरे अंदर, कि इप्टा को मैं बड़ा सम्मान से देखता हूँ, कि यार इप्टा तो मतलब मेरा घर जैसा माहौल है, मेरी शुरुआत इप्टा से हुई है। तो इप्टा तो वहाँ मैं जब गया तो वहाँ फिर नाटक शुरू किया, तो अभी मैं वहीं MS सत्यू साहब से मुलाकात हुई, राकेश वेदी के साथ मैंने प्ले किया, अवतार गिल सर के साथ प्ले किया, अंजन श्रीवास्तव के साथ प्ले किया, रमन कुमार जी, मतलब इतने बड़े बड़े नाम देखा, जो फिल्मों में देखा, टीवी देखा, उसको देख रहा हूँ, साथ में काम कर रहा हूँ, कि बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे शुरुआत होती रही, चीज़ें होती रही, आज भी अभी मैंने जस्ट कई ऐड किए हैं MS धोनी के साथ, 5 ऐड किया मैंने ये गुड डैडी के लिए। फिर मैं एक शो आता है गणेशा, विघ्नहर्ता गणेशा सोनी, उसमें मैंने दशरथ प्ले किया है। तो अभी काम चल रहा है, कई वेब सीरीज़ की हैं, एक दो फिल्में की हैं, तो अच्छी लाइफ है। बट
भूख ख़त्म नहीं हुई है, सही, भूख को मैंने ज़िंदा रखा है कि मुझे और बेहतर करना है, एज एन एक्टर भी अपने सुधार लाना है और बहुत बड़ा काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए। तो भैया संघर्ष जारी है। भैया एक बात मैं कहना चाहूँगा, एज एन एक्टर जो मैंने महसूस किया है, मैं चाहता हूँ कि वो सब जाने। किसी ने कहा है कि अगर आप एज एन एक्टर काम करना चाहते हैं तो आप अगर सांस लेना एक बार भूल जाएं तो चलेगा, लेकिन अभ्यास करना आप मत भूलिए। रोज़ एक घंटा अपने को दीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, वॉइस पर काम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं सब एक्टर्स कहूँ, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं सब प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। मतलब रियाज बहुत ज़रूरी, बहुत, और बिना रियाज के परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकता, नहीं आएगा, परफेक्शन नहीं आएगा। मैं कटिहार हूँ, कैसा लगता है? मैं सच बताऊँ तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं कटिहार में लगाव है, पढ़ाई मैंने यहाँ की, थिएटर मैंने शुरुआत यहाँ से की, और आप इतना प्यार दिया आपने यहाँ पे कि मैं, मुझे नहीं लग रहा कि हम 8 साल बाद मिल रहे हैं, मैं तो कल तो मिले थे, बट हमारी बात होती है अक्सर, ये अच्छी बात है। तो कटिहार की एक एक चीज़ें मुझे याद है आज भी, वो हर गलियाँ कटिहार की, वो थिएटर करना, हर चीज़। तो और मैं कटिहार जो आपने शुरुआत की है तो बेहतरीन काम करना चाहिए, इतनी अच्छी फिल्में बना रही रेणु जी पे, रेणु जी को कौन नहीं जानता है, और उनको हम देख रहे हैं, उनकी जीवनी को हम विजुअल देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगली कोई फिल्म तो मुझे कास्ट कीजिए, मैं करना रियली मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये माहौल, पारिवारिक माहौल मुंबई में नहीं मिलता है। सही, मुंबई बहुत सब प्रोफेशनल है, कॉल टाइम मिल गया आपको, शूट पे पहुँचे, कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, शूट दिए, टेक हुआ, रूम में बैठ जाएँ, बहुत हाई हेलो भी हुई, दैट्स फिर अपने घर। यहाँ जो घर का माहौल मिलेगा वो चीज़ मिस करता हूँ। तो मैं चाहूँ अगर गुंजाइश बने मेरे लायक तो प्लीज़ मुझे आप डेफिनेटली मौका दीजिए, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ एक्ट करूँगा इस। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल था, जब एकदम वो मार्च का महीना, हाँ 25-26 पीक पे था, पीक पे था, लोगों में काफ़ी डर था बहुत, तो हम लोग रात में 11-12 बजे बात करते थे, घंटों बातें किया करते थे, क्या क्या हाल है, कैसे हैं, नहीं है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी लोग भी हैं, मैं अक्सर हाँ बातें करता था कि आखिर क्या किया जाए, इस घर में बैठे बैठे तो बोर हो गए, ऐसा लगता था घर में, अब लगता था कि अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो हम लोगों ने, मैं कटिहारों के बारे में आपसे बात भी की, बहुत चर्चा हुई, स्टार्ट करने वाला हूँ कैसा रहेगा, हमने आपसे पूछा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ याद है। तो बड़ा मुझे पॉजिटिव जो सपोर्ट होता है ना, पॉजिटिव सपोर्ट मुझे जब बाहर के लोग देते हैं तो बड़ा एक आनंद आता है। उस दौरान मुझे आप लोगों से बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली। नहीं नहीं भैया, आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं क्योंकि एक तो पहले आपको सुर संगम जो था आपका, सुर की यात्रा वो इतना अच्छा बच्चों के लिए, उसके बाद फिर ये अब ये मैं कटिहार हूँ, आप कटिहार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब कटिहार को जो लोग नहीं जान पाए, मैं खुद भी कटिहार को अच्छे से नहीं जानता था, बट अब उसके माध्यम से मैं जान रहा हूँ। पक्षी विहार मुझे नहीं पता था, गोल्फ क्लब जो है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैंने आपसे इच्छा भी जारी की थी, मैं वहाँ जाऊँगा, बट शायद मैं वापसी आऊँगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि कटिहार में इतनी अच्छी जगह है, मुझे नहीं पता थी। हमारी जो आने वाले जो अभी नई एपिसोड है वो नक्षत्र मालाकार है, मुझे नहीं लगता कि कटिहार में बहुत लोग नक्षत्र मालाकार को, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता है, पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं। नक्षत्र मालाकार दरअसल उसे अंग्रेज रॉबिन हुड के नाम से लोग जानते थे, और एक इस तरह का करैक्टर है, और वो कटिहार में रहता है। आप कह सकते हैं कि गंगा की जहाँ जहाँ बिहार में, बिहार मतलब सीमांचल, इधर कोसी, बेगूसराय ले लीजिए, कोसी ले लीजिए, इस सारे क्षेत्रों में नक्षत्र मालाकार को लोग जानते थे। उस तरह का करैक्टर था, गरीबों पर प्रताड़न, उस तरह का कोई केस हो तो नहीं कहते हैं कि वो फैंटम की तरह, जब हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे तो फैंटम की तरह उसका अवतार होना एकाएक आ जाना, हाँ वो आजकल वो बच्चों का कॉमिक्स है ना, वो क्या कहते हैं, जो शक्तिमान था ना, शक्तिमान की तरह पहुंच गया अचानक हेल्प करने की तरह। तो नक्षत्र मालाकार का भी कैरेक्टर इस क्षेत्र में, मैं उनके परिवार वालों से मिला, कुछ और लोगों, तो अभी वो जीवित हैं? नहीं अब जीवित नहीं है। ओके 1997 में ओके वो उनका देहावसान हो गया,
यहीं बड़ारी एक बड़ारी विलेज में बड़ारी में रहते थे और उनके परिवार के लोग आज भी हैं। उनकी कहानी जो है उनके परिवार लोगों के पारिवारिक लोगों की सहायता से हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने फणेश्वर जी रेणु की जो कटिहार यात्रा पर जो पढ़ुआ मेहमान हम लोगों ने बनाया, उस फिल्म में आप देखेंगे कि पढ़ुआ मेहमान में कटिहार से जो उनका रिलेशन था हम लोगों ने वहीं तक उस फिल्म को रखा। Okay. हमने उसके फ्रेम को बाहर नहीं किया, तो जो वास्तविकता थी उनको आपने दिखाया। हाँ, जो उनका आना था उनके परिवार के लोगों की मदद से हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा और उस फिल्म को बनाया गया और उसी गांव में बनाया गया। ओके। और आपको बता दें कि इतना अच्छा लगा उस गांव में जाकर के, मलदहिया ना कौन, महमदिया गांव में, कि वहां के लोग के घर में खाना खाना, वहां के लोगों के साथ रहना, रोजाना 300 से 400 लोगों का हम लोगों से मिलना जुलना। इसलिए तो मैं कह रहा मुझे भी काम दीजिए ताकि मैं भी ये अनुभव अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नक्षत्र मालाकार का जो जो करेक्टर है, ये मैं बता दूं कि करीब 2.25 किलोमीटर का एक बांध कोसी नदी में बांध होता है, बांध खुदवा दिया था वो 40 दिनों के अंदर। वाह। और एक बहुत बड़ी बात है, हम लोग माउंटेन द माझी के बारे में, हमें वही बोलने वाला था, दशरथ माझी तो लोग इसे नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं और उस तरह से उसे हाईलाइट भी नहीं किया गया। नहीं, अब जानेंगे ना, अब आप जो बीड़ा उठा लिया आप जानेंगे लोग उसको। वो चीज़ है, हम लगातार कोशिश करते हैं कि कुछ नए नए चीज़ों को लाया जाए। जैसे अनूप लाल मंडल है, उन पर भी हम लोग कुछ लिख रहे हैं, कुछ कुछ बनाना चाह रहे हैं। यहाँ का जो आप कह सकते हैं कि यहाँ का रोजगार, यहाँ के व्यवसाय, यहाँ के धर्म और संप्रदाय, ये सारे चीज़ों पर हम लोग कोशिश करें कि उसको पार्ट बाय में हम लोग उसको बनाएं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय काम करना भैया अभी है। वेरी गुड। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैं कटिहार के साथियों को? पहली बात तो मैं कटिहार हूँ के टीम को बहुत बहुत बधाई, और खास करके आलोक भैया को, क्योंकि पूरी टीम हाँ नहीं पूरी टीम मैं कह रहा हूँ, बट लेकिन आप उनके मुखिया हैं, कहने के मैं चाहूँ कि ये आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने इस काम को करने की सोची, पहले आपने सोचा कि मैं इस काम को करूँ, फिर कारमा बढ़ता गया, सब लोग जुड़ते गए, तो सबसे यही, क्योंकि बिल्कुल इस काम को आप जारी रखें, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, और भी अच्छी फिल्म बनाएं और कटिहार को पूरा एक्सप्लोर करें, ताकि मैं भी कटिहार से हूँ तो मुझे लगता है कि कटिहार को दुनिया जाने, और इसमें अगर इस तरह से काम होता रहेगा तो सब जानेंगे। तो बस मैं कटिहार हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैं कटिहार हूँ।